मैं हूं आपकी होस्ट माविश खान और आप सबको वेलकम करती हूं आपके अपने किचन द लॉर्ड्स किचन में। आज हमारे साथ बॉर्डर फूड के किचन में बहुत ही टैलेंटेड शेफ मौजूद हैं जो हमेशा की तरह हमें आज भी बहुत ही डिलीशियस सी रेसिपी बनाना सिखाने वाले हैं। तो नाम क्या था उनका? उनका नाम है शेफ आसिफ। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक, शुक्र है अल्लाह। आज सर क्या बन रहा है हमारे किचन? आज हम बना रहे हैं राजस्थानी चिकन। आज हमारे किचन में बन रहा है राजस्थानी चिकन, तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं? उसके लिए हमने ब्राउन प्याज की पेस्ट बनाई हुई है। अच्छा, उसको दही का इस्तेमाल होगा। दही का इस्तेमाल है और प्याज की इसमें पेस्ट हमने ऐड किया, हमने कोई इसको चॉप नहीं किया, सिर्फ इसको पेस्ट में हमने इसको प्याज को ब्राउन करके उसका पेस्ट बनाया, दूध में डाल के उसको ग्राइंड कर दिया, उसका पेस्ट बना दिया। ओह वाओ, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर ऑयल कितना यूज करेंगे इसमें? 300 ग्राम चिकन है, तकरीबन 150 ग्राम ऑयल इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, 150 ग्राम इसमें ऑयल यूज होगा। अच्छा, पहले हमने चिकन को क्या फ्राई करना है? जी, थोड़ा सा सोते करना है। हम पहले चिकन को सॉटे करेंगे। ठीक है, अदरक लहसुन का पहले पेस्ट डालेंगे, उसको थोड़ा सा सोते करेंगे। ठीक है, अदरक और लहसुन हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छा है, जैसे कि आप जानते हैं हार्ट पेशेंट्स के लिए अदरक लहसुन को कहते हैं कि आप जरूर यूज करें। 1 टीस्पून हमने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड किया है, उसको हम थोड़ा सा सॉटे करके उसमें हम चिकन ऐड करेंगे। ठीक है, अच्छा इसमें अदरक लहसुन भी थोड़ा सा सॉटे करके इसमें हमने इसमें चिकन ऐड किया, चिकन ऐड करने लगे हैं। अदरक लहसुन मेरे ख्याल से हर डिश की जान होती है, हर डिश में ज़रूरी अदरक लहसुन का पेस्ट तो ऐड होता ही है, और अच्छा भी है हमारी सेहत के लिए। चिकन हमने इसमें ऐड किया, कितना ऐड किया चिकन? 300 ग्राम इसमें चिकन है, उसको हमने इसमें मिक्स करके थोड़ा सॉटे करेंगे चिकन को। अच्छा, जो राजस्थानी चिकन हमारे किचन में आज बन रहा है उसकी क्वांटिटी भी बहुत अच्छी होती है। लॉर्ड ऑफ फूड की सबसे मजे की बात यह है कि आप जब अपना खाना ऑर्डर करते हैं तो यहाँ पे क्वालिटी के साथ साथ क्वांटिटी पे भी फोकस होता है कि उसकी क्वांटिटी बहुत अच्छी होती है। तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिए, यहाँ के डिशेस बहुत ही मज़े की होती हैं और चिकन राजस्थानी जो बन रहा है वो मुझे लग रहा है कि बहुत ही मज़े का होने वाला है। जी, वाकई बड़ा मज़ेदार होगा जी। ये हमारी अपनी रेसिपी है, ये ब्राउन प्याज के साथ है। ब्राउन प्याज के साथ बड़ी कम जो हांडी है ना वो लोग बना रहे हैं, मतलब किसी को पता ही नहीं कि ब्राउन प्याज में भी ये चीज़ें बनती है। अच्छा, ब्राउन प्याज को हमने पहले किस में इसको बनाया? दूध में ग्राइंड किया। अच्छा, दूध में हमने ग्राइंड किया है उसको और वो फिर इस पर हम ऐड करेंगे। ठीक है, अच्छा ये जो डिश है ये राजस्थान से आपने सीखी है? अच्छा, राजस्थान से ये जो है ना इन्होंने सीखी है। अच्छा, चिकन हमारी थोड़ी सी सॉफ्ट हो गई है, उसमें फिर हम ऐड करेंगे प्याज का पेस्ट हमने इसमें ऐड किया। अच्छा, कितना ऐड? ये अगर ये करी स्पून है ना जी तो योगर्ट 2 डालने पड़ेंगे हमें। अच्छा ठीक है, योगर्ट भी उसमें 2 ये रायपुर करी स्पून डालने पड़ेंगे। 2 करी स्पून में आपने एक प्याज का और 2 योगर्ट का। हाँ जी, ठीक है, ना तो ये खट्टा होगा ना मीठा होगा ज्यादा। ठीक है, टेस्ट में ये नमकीन ही होगा ना? नहीं, टेस्ट इसका ऐसा ही होगा, हल्का सा खट्टा मीठा, पाकिस्तानी टेस्ट भी होता है। पाकिस्तानी टेस्ट होता है लेकिन नाम इसका राजस्थानी चिकन है। अच्छा, स्पाइसेस हम इसमें ऐड कर रहे हैं। सबसे पहले इसमें हसबे जायका नमक है, वो आप अपनी मर्जी से भी ऐड कर सकते हैं। वैसे हमने इसमें कितना नमक ऐड किया था? 1 टीस्पून ऐड किया। ठीक है, रेड चिली पाउडर नहीं होगा? इसमें हमने रेड चिली पाउडर ऐड नहीं करना, इसमें हमने क्रश चिली पाउडर यूज करना है। ठीक है, साबुत है चिली, ये वैसे गार्लिक। अच्छा, इसमें साबुत लाल मिर्च भी हमने ऐड की है। ठीक है, और इसमें हल्दी का भी इस्तेमाल नहीं करना? इसमें हल्दी भी ऐड नहीं होनी है। अच्छा, काफ़ी डिफरेंट सी रेसिपी है और देखने में भी बहुत मज़े की लग रही है, आप ट्राई करेंगे एंड में कि कैसी है। इसका मुझे तो बहुत मज़े की लग रही है, डिफरेंट भी है और काफ़ी अच्छा टेस्ट है। अच्छा, काफ़ी अच्छा और डिफरेंट टेस्ट है हमारे शेफ साहब बता रहे हैं। अगर आपको भी क्रेविंग हो रही है कि ये डिश आपने खानी है तो आपने लॉर्ड ऑफ फूड को विजिट करना है और ये डिश आप यहाँ से ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। तो बड़ी ईजी जी है। अच्छा, ये बहुत ही जल्दी से झटपट बनने वाली रेसिपी, इसमें ज़्यादा कोई स्पेशल इंग्रेडिएंट्स नहीं है, जो आपके घर में मौजूद हैं वही सारे इंग्रेडिएंट्स में जो है हमने ऐड किए हैं। ओके, लॉर्ड ऑफ फूड की ये स्पेशलिटी है कि यहाँ पे आपको बहुत डिफरेंट फूड खाने को मिलता है
और साथ में जो इन्वायरमेंट है इनका, वो तो बहुत ही क्लास का है ना। कवाली नाइट आप जी, जितना फूड बनता है ना ग्रेवी में, ज्यादातर सारा फ्रेश ही होता है। ये नहीं होता कि हमने हार्डन किया होता है, ऐसा नहीं होता। अच्छा, ये एक मजे की बात ये है लॉर्ड ऑफ फूड की, कि जब आप यहाँ पे खाना खाते हैं तो वो सारा कुछ फ्रेश फ्रेश आपको सर्व करते हैं। कुछ भी इन्होंने पहले से बना के नहीं रखा होता, उसी वक्त ये फ्रेश बना के आपको सर्व करते हैं। कोई भी इसमें पहले से कुछ भी ऐड नहीं, पहले से कुछ भी इन्होंने बना के नहीं रखा होता। अच्छा, सिर्फ 2 मिनट्स लेफ्ट हैं हमारी हमारी डिश में। अब ये रेडी हो जाएगी थोड़ी देर में, 2 मिनट्स में ये रेडी हो जाएगी। अच्छा सर, तो आप क्या क्या मज़े का बना देते हैं? सब कुछ अच्छा बनाता है? हाँ जी, सब कुछ ही। अच्छा, चाइनीज़, पाकिस्तानी, कॉन्टिनेंटल, अरबी, अरबिक भी। देख लें लॉर्ड ऑफ फूड के कितने अच्छे और टैलेंटेड शेफ हैं। देखिए सब हर डिश बना लेते हैं। अब हमारी ये रेडी हो चुकी है, अब क्रीम ऐड करेंगे। अच्छा, हमारी डिश अब बिल्कुल रेडी हो गई है, उसमें हम अब क्रीम ऐड करेंगे। क्रीम कितनी ऐड करनी है? तकरीबन 100 ग्राम होगी। 100 ग्राम हमने क्रीम ऐड करनी है इसमें। तो ये दालचीनी पाउडर है। अच्छा, ये दालचीनी पाउडर हाफ टी स्पून है, ठीक है। ब्लैक पेपर है, क्रश ब्लैक पेपर हाफ टी स्पून है। और ये पाकिस्तानी खूबसूरती, पाकिस्तानी राजस्थानी डिश में पाकिस्तानी खूबसूरती, वो भी वाओ। ये होता है टैलेंट जो कि हमारे लॉर्ड ऑफ फूड के शेफ्स में है। डिश आउट करना अब हमने स्टार्ट किया है। डिश आउट करते हैं इसको, बहुत ही खूबसूरती के साथ इन्होंने इसको गार्न। अच्छा, प्लेटर बहुत खूबसूरत बना हुआ है। तो डिश हमारी बिल्कुल रेडी है, अब डिश आउट की तरफ चलते हैं। डिश आउट करते हैं इसको, ज़बरदस्त। अच्छा, इसको गार्निश में करूं? गार्निश में करना चाहती हूँ। धनिया इसमें हम गार्निशिंग के लिए ऐड करेंगे, ठीक है। अच्छा सर, ये डिश तो हमारी रेडी हो गई है, तो अब इसको ट्राई कौन करेगा? मैं। हमारे साथ हमारे किड सेलिब्रिटी हैं आलियान खान, और वो इसको ट्राई करेंगे और बताएंगे कि ये हमारी डिश तो है नहीं हमारे पास, तो आप कैसे कहोगे? ये तो मेरी पॉकेट में था। वाओ, तो आलियान पूरी तैयारी के साथ आए हैं हमारी डिश को ट्राई करने के लिए। तो आइए आलियान से पूछते हैं कि हमारी डिश कैसी बनी। चलिए आलियान, बताइएगा। टेस्ट अबाउट दी क्लास लॉर्ड ऑफ फूड। एवरीवन, यू शुड कम एंड विजिट लॉर्ड ऑफ फूड। दे हैव वेरी टेस्टी फूड एंड आई व्हेन आई ऑलवेज कम टू विजिट लॉर्ड ऑफ फूड, दे ऑलवेज हैव अमेजिंग फूड एंड दिस प्लेस इज वेरी नाइस एंड परफेक्ट। एंड सी यू गाइस टुमारो, अल हाफिज़।